जानते हो मैंने क्या किया? मैं इस दरवाजे से बाहर गया, बाहर दो डिटेक्टिव्स थे, मैं उनसे तुम्हारी बुराई करने ही वाला था, लेकिन मैं रुक गया क्योंकि मेरे पापा ने मुझे सिखाया कि कायर ही पीठ के पीछे बुराई करते हैं। तुम्हारे पापा ने अच्छी सीख दी है। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारे मुंह पे बोलने वाला हूँ। नहीं, क्या बोला तुमने? बड़ा हरामी हो बेटा। रुको जरा, सबर करो। नहीं, जरूरत नहीं है। तुम एक बुजदिल हो, बिल्कुल डरपोक। जब तुम सुसु करते हो ना तो उसकी आवाज लड़कियों जैसी आती है। अगर तुम जंगल में होते तो मैं तुम पर हमला करता, चाहे फिर तुम मेरे शिकार ना भी होते तब भी मैं आउट ऑफ द वे जाकर तुम पर हमला करता। अगर मैं शेर और तुम मछली होते तो मैं समंदर में तैर कर तुम्हारा शिकार करने आता और फिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड पर झपटता। क्यों नहीं? अरे कहना क्या चाहते हो? ठीक है, सबसे पहले तो शेर तैर कर शिकार करने आएगा? शेर को पानी पसंद नहीं। अगर तुम किसी नदी या तालाब की बात करोगे तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन समंदर के अंदर, वो भी 20 फुट लहरों के बीच। मैं अज्यूम कर रहा हूँ तुम साउथ अफ्रीका में हो, तो समंदर में एक शेर 400 किलो के टूना से लड़ेगा जो कि अपने 20-30 दोस्तों के साथ होगा। तुम हार जाओगे मिस्टर, 10 में से 9 बार तुम हार जाओगे। और जानते हो, समंदर में जो शिकार करने आया था ना, वही अब हमारा शिकार बन जाएगा। उसके बाद हम दावत मनाएंगे और एक दूसरे से पता है क्या कहेंगे? शेर का स्वाद अच्छा था, चलो एक और शेर पकड़ते हैं। और उसके बाद हम प्लानिंग करेंगे और तुम्हारे पूरे परिवार पर हमला करेंगे। हर एक शेर को पानी में लाने की कोशिश करेंगे। करेंगे। वो कैसे करोगे? ये तो बहुत आसान है। उसके लिए हम शेर को पानी में आने के लिए ललचाएंगे। सबसे पहले हम पता लगाएंगे तुम्हारे लोग कहाँ रहते हैं। हमारे जासूस हर जगह छिपे हुए हैं, हर जगह। उसके बाद हम अंदर जाकर प्लान करेंगे और फिर एक एक कर तुम्हें पकड़कर तुम्हारा स्टॉक बनाकर रखेंगे और धीरे धीरे स्वाद लेकर खाएंगे। तुम ही शिकार बन जाओगे। वेल डन, तालियां। कैसी लगी? आगे सवाल। रुको जरा, सबर। तुमने सोचा तुम्हें ऐसा जवाब मिलेगा? नहीं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को।